कई स्टूडेंट इस बात पर भी परेशान रहते हैं कि साहब लिखें कैसा, बिरेक्टी लैंग्वेज लिख के आए या क्या लिख के आए। देखो आप थोड़ा सा समझिए, एज इट इज बिरेक्टी लैंग्वेज लिखाने के लिए तो ये तो आता नहीं कि भाई ये तो कोई क्वेश्चन था नहीं आपके एग्जाम में कि सेक्शन नंबर इसको लिखिए, ऐसे पूछा कोई नहीं, ये थोड़ी पूछा कि सेक्शन 56 लिखिए, ऐसे नहीं आता। जब ऐसे नहीं आता तो फिर आपको उत्तर कैसे देना है? भाषा बेरेक्टी, भाषा में क्या शब्द बेरेक्टी उठाने हैं, मैक्सिमम शब्द बेरेक्टी उठाने, और जैसा प्रश्न पूछा गया है वैसा उत्तर देना है। लैंग्वेज टफ है इसकी। अब स्थिति क्या है, स्थिति यह है कि आप धीमे 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 प्रयास कर रहे हैं, एक बार आप टीपी पढ़ लेंगे। मुझे ये नहीं पता कि आप में से कितने लोग इसको पूरी तरह समझ रहे हैं, किसी कुछ लोगों को हो सकता है कि बाउंसर भी जा रही हो और कुछ लोगों को पूरा समझ में आ रहा हो, कुछ लोगों को कुछ परसेंटेज समझ में आ रहा हो, ऐसा हो सकता है। क्यों है ऐसा? बिकॉज लेवल ऑफ योर कॉन्शसनेस इज डिफरेंट। हर एक की जो कॉन्शसनेस का लेवल है वो अलग अलग है। जब अलग अलग है तो समझ में भी अलग अलग आएगा। लेकिन होना क्या है कि ऊपर के लेवल पर, जिस लेवल पर सिलेक्शन होना है, मान लो 200 सीट आएंगी आज जैसे, तो जो भी आप में से जनरल कैटेगरी का है, जनरल कैटेगरी का है, उसके लिए तो मात्र 70 सीट्स ही आई हैं। वो 200 सोच के खुश ना हो, क्योंकि 71 पे उसका नहीं होगा। ये 70 से कम हो सकती हैं। कितनी कम हो? मान लो कोई लड़की बहुत अच्छा मेहनत कर रही है और उसने जंप लगाकर 1 से लेके 70 तक की पोस्ट में एंट्री मार ली, तो ऐसी 10 लड़कियां हैं जिन्होंने यहां एंट्री कर ली, तो ये सीट कितनी रह गई? 60। कितनी रह गई? 60। अब आपको उस लेवल का अपने आप को बनाना है कि भाई इसमें ये संभावना है कि लड़कियां बहुत पढ़ रही हैं, 10-20 सीटें, तो उसमें से वो तो मात्र 50 सीटें, 200 आएंगी तो उनके लिए मात्र 50 सीटें हैं, नीचे तो उनका सिलेक्शन होगा ही नहीं, नीचे की सीट्स रिजर्व कैटेगरी की हैं। रिजर्व पोजीशन का कोई और बंदा इसमें और एंट्री कर गया, उतनी सीट और कम हो गई। तो स्थिति क्या है, क्या समझ में आया? अगेन एंड अगेन यू आर टू प्रैक्टिस टू मेक योर सेल्फ एक्सपर्ट, मेरिटोरियस, मेरिट होल्डर्स। फेल पास का एग्जाम नहीं है। और इसके मैं बार बार एक बात कहता हूं कि इसमें भाग्य का ताल्लुक नहीं है। ताल्लुक क्या है फिर? 5-7 चीजें हैं। जैसे आपकी शुरुआती पढ़ाई लिखाई कहाँ हुई? तब हमारे तो गांव में हुई, कोई बात नहीं हुई। तो एक आपके लेवल के कॉन्शसनेस वाले व्यक्ति की पढ़ाई लिखाई शहर में और अच्छे स्कूल में हुई, तो वो आपसे आगे है ना। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपके पास विकल्प बचा सिर्फ मेहनत का। किस चीज का बचा? मेहनत का। मेहनत कितनी? ज्यादा से ज्यादा मेहनत, कोई सीमा नहीं है, ज्यादा से ज्यादा। दूसरा आपका संकल्प। आप कितने संकल्पवान हैं?
जैसे अभी देखा ना, अभी सिर्फ ममता देख रही है, बाकी का संकल्प जैसे ही उनकी घड़ी में सुई का कांटा 12 पे आया, उनके शरीर ने उनको संदेश दे दिया, यार मेरे बस की नहीं अब पढ़ना। किसने दिया? शरीर ने। उस शरीर के गुलाम हैं, उनका नहीं होगा। मेरे से बहुत सारे स्टूडेंट बहुत चिढ़ते हैं इस बात पर कि साहब आप खट से कह देते हो नहीं होगा, ये तो नहीं कहते हो जाएगा। मैंने कहा मैं झूठी दिलासा नहीं दे सकता। उनको ऐसा होना चाहिए कि वो अपने शरीर को ये संदेश दे देंगे, नहीं बैठा रहे चुपचाप, अभी क्लास चल रही है, भूख लग रही है, चुप जा, नहीं खाना खाना, बाद में खाएंगे, 1 घंटे बाद खाएंगे। तो ये स्थिति आपके अंदर है क्या? ये सॉफ्टवेयर आपको डेवलप करना ही होगा इस सिलेक्शन के लिए। आपने तय किया मैं 1 घंटे बैठूंगा और आधा घंटे बाद आपको भारी भूख लग रही है, नींद आ रही है, नहीं बैठ पढ़ा जा रहा, आप अपने शरीर को अपने मस्तिष्क से संदेश दो, ऑर्डर दो उसको, चुपचाप बैठा रहे, मैं 1 घंटे से पहले उठूंगा नहीं। और आप उसमें जीत गए तो आपका शरीर मान लेगा आगे से कि यार इसने कह दिया ना 1 घंटा, अब अपने को 1 घंटा बैठना ही पड़ेगा, इसको परेशान मत करो, वो परेशान करना बंद कर देगा। मुझे नहीं पता आप ऐसा करते हैं या नहीं करते, लेकिन आपको करना ही चाहिए। आपको शारीरिक और मानसिक रूप से सबल बनना होगा। शारीरिक और मानसिक रूप दोनों से क्योंकि बार बार मैं ये नहीं कहता कि सारे स्टूडेंट यहीं से पास हो जाएंगे, और इंस्टीट्यूट्स पर भी पढ़ रहे हैं, इस स्टेट से बाहर के लोगों का भी होता है, वहां भी कुछ लोग पढ़ रहे होंगे। तो आपको अपने को उस लेवल पे समय ज्यादा देकर, ऊर्जा ज्यादा लगाकर, अपनी कॉन्शसनेस को ज्यादा बढ़ाकर। अब आप कहोगे कॉन्शसनेस कैसे बढ़ाएं? एक ही तरीका, दुनिया में कोई तरीका डेवलप नहीं हुआ, वो तरीका है सिर्फ मेडिटेशन का। एक दूसरा तरीका और भी कह सकते हैं, उससे भी होता है, वो है कि आप अपने थोड़े से लक्ष्य बड़े कर लो। जैसे आज पढ़ाई का लक्ष्य कर लिया आपने, भाई मेरे को इतना तैयार करना है, उसको अचीव करना। तो जब अचीव करोगे तो उसमें आप पूरी क्षमता लगाओगे। तो छोटे 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 लक्ष्य बड़े करना शुरू करो, पहले छोटे लक्ष्य पाओ, फिर और बड़े और बड़े और बड़े, ऐसे लक्ष्य बनाओ, उसकी घिसाई से भी कॉन्शसनेस बढ़ जाती है। अब कॉन्शसनेस के उदाहरण को ऐसे समझो, एक आदमी है, एक ही तरह की प्रज्ञा रखते हैं, एक तरह से ऐसे कर लेते हैं, एक आदमी है, उसके 2 बच्चे हैं, उसने दोनों को सही एक ही तरह से खिलाया पिलाया, सब कुछ साथ साथ कराया, दोनों से कहा कि भाई देखो अब पढ़ाना लिखाना तो हमारे बस की नहीं है, अब तुम जाओ शहर, अब कुछ काम करो। यहां शहर में आए, बोले करें क्या, बोले एक काम कर लो, रिक्शे ले लेते। तो एक ने तो क्या किया, रिक्शा चलाया सुबह से शाम तक, घर आ गया, पैसे रख लिए। दूसरे का दिमाग और चला, रिक्शा चलाया, उनने कहा यार एक किराए से रिक्शा और ले लेते हैं, और चौराहे से एक आदमी और पकड़ा, उन्होंने कहा तू भी मेरे साथ चला, शाम को जो भी हो तेरे को इतने पैसे दे दूंगा। और अब रिक्शे में आए ज्यादा पैसे चलाने में, उसने एक और ले लेते हैं। तो वो एक्सपांड कर रहा है, उसकी कॉन्शसनेस बड़ी हुई है, और जिसकी कॉन्शसनेस छोटी है वो उतना ही कर पा रहा है, जबकि दोनों एक ही माता पिता के पुत्र पुत्री हैं, लेकिन एक ऊंचाई छू जाता है और एक वैसा ही रह जाता है। तो इसमें साइंटिफिक टेम्परामेंट, साइंटिफिक एटीट्यूड क्या है, एक ही चीज का अंतर है। दोनों को एक ही स्थिति में रखने पर उनके माइंड के समझ के लेवल का अंतर है। आप देख रहे हो ना इनके फोटो, इनके फोटो, इनके ऊपर कोई कृपा वृपा नहीं हुई है किसी की, लेवल ऑफ कॉन्शसनेस बड़ा है।
एक आदमी आता है यार, लेवल ऑफ कॉन्शसनेस इतना है यार, कैसी नौकरी लग जाए और एक शादी हो जाए, बस बच्चे पैदा करेंगे, उन्हें बड़े करेंगे, उनकी शादी ब्याह कर देंगे और चले जाएंगे, इतना ही सोचता है। एक सोच रहा है कि अच्छा इस देश में ये करना है, वो करना है, जाना उसे भी है, ऐसा नहीं कि वो नहीं जाएगा, लेकिन लेवल ऑफ कॉन्शसनेस का अंतर है। तो साइंस तो यही मानती है, तो आप इसकी वृद्धि कर सकते हैं और आपको वृद्धि करनी ही चाहिए। और ये पॉसिबल है, बढ़ाया जा सकता है, ठीक है ना। तो ये जो अभ्यास करा रहे हैं अभी आपको, लिखने का बार बार एग्जाम करा रहे हैं, तो उसमें ऐसा होना नहीं चाहिए कि भाई एग्जाम में नहीं आ रहे। एग्जाम में स्टूडेंट जो डर रहा है उसका कॉन्शस लेवल छोटा है, वो जानबूझ के क्यों नहीं आ रहा, जबकि उसे ये एग्जाम दे दे के अपने को बड़ा कर सकता है, लेकिन एग्जाम ही नहीं दे रहा, वो आ ही नहीं रहा, उसे लग रहा है कि अरे पता नहीं, अरे भाड़ में तो नहीं दे लेंगे, क्लास कर लेते हैं। क्लास में भी जैसे डीटीपी शुरू होना शुरू हो जाए तो लोग क्लास में से गैप करना शुरू करते हैं, तो फिर हमारी मजबूरी हो जाती है, चलो ठीक है यार जैसे पढ़ रहे हैं वैसे पढ़ने दो, लेकिन उससे रिजल्ट नहीं आते फिर। और ये जो प्रक्रिया है ना, क्लास की प्रक्रिया, आपको निखारने की प्रक्रिया है, जितना आप निखरोगे उतना आप पालोगे अपनी जगह। जो भी राजस्थली में पढ़े, जो भी पढ़े, उनमें ऐसा नहीं सारे हजारों की संख्या में स्टूडेंट पढ़ चुके हैं यहां से, हजारों, सैकड़ों नहीं हजारों, लेकिन हजारों उस रूप में सारे जुडिशियल अफसर बने क्या? नहीं बने, क्योंकि उनका अपना अपना लेवल था, जो जिस लेवल का था वहां पहुंच गया, लेकिन बाद में जिन्हें लगा कि यार हम वहां पहुंचे नहीं, तो उन्होंने अपने राजस्थान भर में हजारों की संख्या में राजस्थली परिवार के स्टूडेंट अच्छी प्रैक्टिस में हैं, बहुत अच्छे कमाने में भी हैं, सब चीजों में हैं, बहुत सारे और डिपार्टमेंट्स में भी हैं, तो वो कैसे हुए? वो ऐसे ही हुए। तो खाली नहीं जा सकते यहां से, यहां से कोई खाली नहीं जा सकता, क्योंकि ये जो मंदिर है वो तो ज्ञान का मंदिर है। मुझे नहीं पता कि किसी को मूर्ति के सामने खड़े होकर प्रार्थना करने पर, सवामणि करने पर कुछ मिला हो या ना मिला हो, लेकिन इन नीली चेयर्स पर बैठे हुए लोगों को बहुत कुछ मिला है, बहुत सारे लोग हैं, सैकड़ों हजारों, हो ही नहीं सकता कि ना मिले, क्योंकि हर रोज आप अपना ज्ञान वर्धन कर रहे हैं। तो एक तो किसी भी कंडीशन में क्लास मिस नहीं करनी चाहिए, किसी भी कंडीशन में पेपर में एबसेंट नहीं रहना चाहिए। और दरअसल ये जो आपने जो अभी पथ चुना है ना, ये क्या है? साधना पथ है, ये साधना है आपकी। उस साधना में आप कमजोर पड़ जाए, ये एग्जाम नहीं है, आप इसे एग्जाम मत मानो, ये प्रतिदिन आप एक टाइप की साधना कर रहे हो, जो आपको जीवन में जीविका तो देगा ही देगा, मान सम्मान तो देगा ही देगा, आप उससे आगे फिर सोच सकोगे कि यार मैं कुछ और लोगों के कल्याण के लिए भी कोई काम कर सकूं। ये साधना पथ है, और उस साधना में आप एंजॉय पथ को भी साथ साथ जोड़ लेते हो तो वो नहीं काम चलेगा, और आलस पथ को भी जोड़ लेते हो, भाई जो लोग नहीं आ रहे तो उसका मजबूरी क्या है? आलस है, अरे यार चल छोड़, ऑनलाइन ले लेंगे यार, कल देख लेंगे, तो ये आलस पथ है उनका। दे कैन डिस्ट्रॉय देयर सेल्फ, और डिस्ट्रॉय कुछ और थोड़ी ही है, यहां डिस्ट्रॉय का मतलब है कि दिस इज द टाइम व्हेन यू कैन मेक अवेयर योर सेल्फ, यू कैन अचीव मोर, ये वो टाइम है, वही टाइम आप निकाल दे रहे हो, तो अच्छा नहीं लगता। इंग्लिश की क्लास होती है, उसमें भी उसी रूप में आओ, जो चीज नहीं आती है आओ, तो अपने साधना पथ पे, साधना का मतलब है चीजों को साधना, अपने आप को तो साधो, टाइम से रोज आओ, रोज आना पेपर दो,
तो जब ऐसा लगता है ना एबसेंट है, हाँ कभी कभी किसी की मजबूरी हो सकती है, आपके यहाँ फंक्शन है नहीं आ सकते, कोई बात नहीं, आपके यहाँ और कोई कारण है नहीं आ सकते, तो उसमें मजबूरी हो सकती है, लेकिन आपका शरीर आपको ना आने दे उसमें नहीं, आप शरीर के मालिक हो, शरीर आपका है, आप शरीर के थोड़े ही हो, शरीर आपका है, आप उसे संदेश दो भाई चल, अब मन करेगा उस समय, अरे यार आज छोड़ तो नहीं, क्लास जाएंगे,